नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान को सबूत सौंप कर दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र में उरी हमले को प्रमुखता से उठाएगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पाकिस्तान पर बोला हमला। इशारों में कही पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाने की बात। लिखा, समय आ गया है बड़ा भाई छोटे भाई के घर में घुसकर उसे चपत लगाए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री का विदेश जाना भी ठीक और वहां जाकर सेल्फी लेना भी ठीक है, लेकिन मोदी जी कभी गरीब और किसानों के साथ भी सेल्फी लेते तो अच्छा लगता। बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा। तालाब में बस गिरने से 50 लोगों के मरने की आशंका। 25 शव निकाले गए। राहत और बचाव कार्य जारी। एलजी के घर के बाहर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर फेंकी गई स्याही। सिसोदिया का आरोप, कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई काम नहीं इसलिए स्याही फेंकवा रहा है विपक्ष। अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही एक्शन में आए शिवपाल यादव। अखिलेश के करीबी 3 एमएलसी सहित 7 नेताओं पर गिरी गाज। पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने शहाबुद्दीन का पक्ष रखने के लिए जारी किया नोटिस। 26 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई। अब टेंडर प्रक्रिया के जरिए मिलेगा आईपीएल प्रसारण का अधिकार। बीसीसीआई ने की प्रसारण अधिकारों के आवंटन के लिए खुले टेंडर प्रक्रिया की घोषणा। अभी तक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के पास है प्रसारण का अधिकार। पाकिस्तान से निर्वासित बलूच नेता ब्रह्मदाग बुख्ती का बयान। कहा, जल्द ही भारत में शरण के लिए करूंगा आवेदन। फिलहाल स्विट्जरलैंड में शरणार्थी है बुख्ती। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।